के टाइम पे जो ब्लैक बोर्ड बनते थे तो इसी की लकड़ी का यूज किया जाता था, तो स्कॉलरिस इसलिए इसका नाम रख दिया गया एलस्टोनिया स्कॉलरिस। ये रुद्राक्ष के प्लांट है और भी होंगे एक्सेस थ्री, ये अलग से चैम्बर जैसे आप बोलेंगे कैसे पहचानेंगे तो ये, हाँ ये बेसिक कैरेक्टर है। थ्री चैम्बर एक्सेस देखे अलग अलग होंगे, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, इसमें तीन है ना। फ्राइड एफ थ्री साइंटिफिक नेम है ऑनकोबा स्पाइनोसा। इसका फ्लावर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक फ्राइड एग आप लोग ने खाया होगा तो आप हाँ। देखिए इसमें फ्राइड मतलब फ्लावर लगे हुए हैं तो बिल्कुल एग के शेप में होंगे, बीच में येलो एंड साइड से व्हाइट। गुड मॉर्निंग, सो आज है डे थ्री हमारे ओरिएंटेशन का और पिछले दो दिनों से ना मैं बहुत लेट हो जा रही थी, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तो मैं डेली लेट हो ही रही थी। मेरी कोई गलती नहीं थी, बस जो थी वो बहुत ज़्यादा पहले आ जा रही थी। फर्स्ट डे जो बस है वो 9:30 में आई तो दूसरे दिन भी मुझे लगा 9:30 तक आएगी, लेकिन दूसरे दिन जो बड़ी बस थी वो 8:48 में आ गई। तो आज अभी मैं सुबह में 7 बजे ही उठी थी और ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ और मैं अब वेट कर रही हूँ बस का। और अभी मैं ज्ञान दे रही हूँ, जितने भी फर्स्ट ईयर वाले हैं ना, मतलब जितने भी मेरे साथ वाले हैं सबको मैं ज्ञान दे रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ ना लेट हो जाओगे। तो हमारी जो बस है वो आ चुकी है एंड द बस इज़ वेटिंग फॉर अस। तो ये सामने है बस लगी हुई, लेट्स गो। अक्षिता आ जाओ। तो गाइस बस रेडी, हमारी बस तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी जो हमारी बस होती है वो पहले गर्ल्स हॉस्टल आती है, यहाँ से जो गर्ल्स हैं वो बस में बैठती हैं, उसके बाद ये जो बस है वो बॉयज हॉस्टल की तरफ जाती है। आज इतने लड़के कहाँ से आ गए, कल तक तो नहीं था ये है? न्यू एडमिशन तो जो हमारा थर्ड डे का शेड्यूल है उसमें हमें विजिट करनी है, तो हमारी जो बस थी वो सीधे हॉस्टल से हमें लेकर आई एग्जामिनेशन हॉल की तरफ। कोई है, कोई बात नहीं, हम ही बैठेंगे। अभी क्लास पूरी तरीके से खाली है, सारे बच्चे भी यहीं आके बैठेंगे। वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर EM बैच। अभी यहाँ से क्या होता है ना कि ये जो हॉल है इसमें सारे बच्चे आते हैं और यहाँ पे उनको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग बसेस में भेजा जाता है। जैसे कि मैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हूँ तो मेरे साथ फॉरेस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं और फॉरेस्ट्री और EM वाले को एक साथ भेजा जाता है। तो हमारी आज की जो पहली विजिट थी वो है सेंट्रल लाइब्रेरी की, और FRI का जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी बढ़िया भी है। जैसा कि हमारे प्रोफेसर ने हमें बताया कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 लाख से भी ज़्यादा बुक्स हैं, तो ये जो बुक्स हैं वो हम लोग यहाँ पे जाके बैठ के पढ़ सकते हैं और कुछ भी बुक को हम लोग इशू भी करवा सकते हैं 15 डेज़ के लिए, तो उनको लेके वापस हॉस्टल आ सकते हैं और जब हमारी मतलब बुक से पढ़ाई जब हम लोग पूरी कर ले उसके बाद बुक्स को ले जाके वहीं पर सबमिट करना होता है। और आज की हमारी जो दूसरी विजिट थी वो था ये वुड, मतलब यहाँ पे जो वुड साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं ना उनका यहाँ पे ज़्यादा काम होता है, तो यहाँ पे हमें बस ये यूनिट्स दिखाई गई थी कि यहाँ पे कैसे लकड़ियों के बारे में पता करते हैं, वुड्स के बारे में, उसकी एज कैसे निकालते हैं और उसकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इस यूनिट में बताई गई। इसके बाद हम लोग यहाँ से जा रहे हैं प्लांट एंड जेनेटिक्स वाले डिपार्टमेंट में। इतनी बारिश में भी कॉलेज जा रहे हैं ना, कॉलेज में ही हैं, घूम रहे हैं अभी डिवीजन बाय डिवीजन, तो अभी हम लोग जेनेटिक्स में जा रहे हैं, जेनेटिक्स डिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं और बारिश होने लगी। गाइस अभी बारिश हो रही है एंड वी आर वेटिंग आउटसाइड द लैब ताकि जा सके क्लास में। ये देखो बारिश ज़्यादा होने लगी थोड़ी, बच्चा स्कूल पढ़ेगा।
अभी थोड़ी देर और बैठते हैं यार, कहाँ जा रहे हैं? We are back to the hostel. और अभी बसल भैया कह रहे थे हमें जाना है फिर से, आई गेस 2 या 2:30 बजे से जाओगी? बोटानिकल गार्डन अच्छा होगा, पहले खाना खा लेते हैं और थोड़ी देर आराम कर लेते हैं उसके बाद जाएंगे। अभी तो हमारे पास टाइम है, अभी 12 बज रहे हैं, 2 बज जाएंगे, मतलब 2 घंटा है, लेकिन चले ही जाएंगे, क्या ही करेंगे रूम पे, कल से 3 दिनों की छुट्टी भी है हमारी। तो हमने बस अभी मेस में लंच करा, उसके बाद फिर वापस हमारी बस आ गई एंड वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड सेशन। तो गाइस एक बार फिर से हमारी जो बस है वो आ चुकी है लंच के बाद वाली शिफ्ट के लिए, सो द बस इज वेटिंग फॉर अस एंड वी आर गोइंग। अभी क्या होता है ना कि बस आती है और मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ आती हैं तो पता नहीं चलता हमारी वाली बस कौन सी है, तो एक दो लड़कियाँ गेट पे ही थी, उन्होंने बताया कि बस आ चुकी है, नाउ वी आर गोइंग। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि हमारे हॉस्टल के बाहर ना 2 बसेस लगी हुई है, तो एक बस में सीपीटी वाले और वुड वाले हैं और एक में फॉरेस्ट्री और ईएम वाले, तो हमें फॉरेस्ट्री और ईएम वाले में जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं बस जो है वो पूरी तरीके से खाली है, मतलब इसमें तो ऑलमोस्ट हम 4 ही लड़कियां थे, और लंच के बाद वैसे भी कम ही बच्चे आते हैं क्योंकि खाना खा के ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं वो सो रहे होते हैं। तो इसके बाद जो हमारी बस थी वो हमें लेके गई बोटानिकल गार्डन। हमें जो प्रोफेसर सुबह से गाइड कर रही थी उन्होंने हमें बताया था कि जब आप सेकेंड शिफ्ट में आओगे ना तो बस वाले को आप कहना कि वो आपको डायरेक्ट बोटानिकल गार्डन में ही ड्रॉप करेंगे। ये जो पेड़ है ना, ये केवरा, केवरा के प्लांट है ये, एलस्टोनिया, नाम भी पहली बार सुन रही हूँ मैं। लेकिन कुछ स्पीसीज क्या है बोनिया, उसकी जीनस की क्लाइंबिंग भी है। ये क्या है? बोनिया एंगुना, एक बोनिया वैलाइज ना होगा आपकी इसका फ्लावर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक फ्राइड एग आप लोग ने खाया होगा, तो आप देखिए इसमें फ्राइड मतलब फ्लावर लगे हुए हैं, तो बिल्कुल एग के शेप में, बीच में येलो एंड साइड से व्हाइट व्हाइट, ये वाला देखिए फ्लावर लगा है। ये वाला नहीं, इसका मैं बताता हूँ आपको, ये एथनबर्जिया, ये है जो क्लाइंबर है, ये ट्री है, ये है ग्रीविया ऑप्टिवा जिसे भीमल कहते हैं, ये ट्री भी है, ये वाला है। ये पीछे जो ट्री देख रहे हैं ये है ग्रीविया ऑप्टिवा, भीमल का पेड़, एंटेरोलोबियम, एंटेरोलोबियम कॉर्टिस विलियम करके इसका साइंटिफिक नेम है, एंटेरोलोबियम, बाकी फेबेसी का है। पीछे तक आप भी देख लो, प्रैक्टिकल में रखा जाएगा। गार्लिक, गार्लिक वाइन, ये लहसुन जैसा मैच प्लांट है, इसके अगर आप लीफ को प्लग करके और इसे अगर आप मसलते हैं तो इसकी जो स्मेल आ रही है वो लहसुन के जैसी है, इसलिए इस पेड़ का जो नाम है वो है गार्लिक वाइन। हालांकि मुझे टीचर से पूछना पड़ेगा कैन वी यूज इट इन फूड और नॉट। जो हाथी है उसको क्या करता है, बहुत ज़्यादा जंगल में लाइक करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एलिफेंट फ्रूट, इसका क्या पिकल भी बनाया जाता है, इसका जो फ्रूट है कहाँ फ्रूट है, पिकल में यूज़ किया जाता है, बाकी एडेबल है फ्रूट, ये है इसका फ्रूट किधर, ये हाँ ये बहुत बड़ा जो आपको गिर चुका है अभी, ये जो दिख रहा है ना आपके सामने, ये हाँ बहुत बड़ा है, इतना बड़ा फ्रूट है एलिफेंट। इंडियन हॉर्स नेक ट्री, इसका नाम है ग्रीन थिएटर। ट्री की कैनोपी देखो, ये जो ट्री है ये पूरे मतलब जैसे बरगद के प्लांट होता है ना वैसे ही है,
और हमारे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने हमें बताया कि ये जो साइड में बैठने वाले बनाए हुए हैं ना ये सारे, तो यहाँ पे ब्रिटिश टाइम में जो प्रोफेसर होते थे यहाँ पे वो बैठते थे और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ऐसे जगह बनाई गई हैं जहाँ पे स्टूडेंट बैठ के पढ़ाई कर सके। खैर अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो अब तो क्लासेस में पढ़ाई होती है, बाकी पहले के ज़माने में ब्रिटिश एरा में यहीं पे स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ाई किया करते थे। बढ़िया है, नेचुरल। हालांकि तोड़ना मना है, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी अलाउ है क्या ना, हमारा पूछना पड़ेगा है ना। गुलाब जामुन जैसा तो नहीं लगता, उसका जो शेप और उसका कलर और उसका मतलब खा सकते हैं, एडिबल होता है वो। अभी है नहीं सर गुलाब जामुन? ये वाला जो देख रहे हैं ना ये एक्जोटिक है, लिक्योडम्बर। देखो आपने मूवी में देखा होगा, आपको देखते होंगे पिक्चर देखने अभी हो जाएगा फ्रूटिंग, उसमें अब मार्च में होगा। ये आप जो पेड़ देख रहे हो ना ये सिंदूर का पेड़ है यार, मच्छर का। ये जो प्लांट देख रहे हो ना, ये जो प्लांट है अभी बताया गया कि ये पुत्र जीवी प्लांट है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसके जो फल होते हैं उसे खाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। अब ये इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं और बैम्बू के स्पीसीज हैं कुछ, उसके बारे में अभी हमें बताया जाएगा। देखो ये सारे बैम्बू ट्री नहीं है, वाह क्या है ये प्लांट है, क्या कॉफी प्लम है, पेनियाला। इसके तो सीड कॉफी जैसे होते होंगे, ये लग रहा है सीड थोड़े बहुत। कॉफी का तो नहीं है, पूछ ले। हाँ है तो, नाम लिखा रहा है देखो, बैम्बू है ये, बैम्बू ग्रास है। दिखता कैसा है? ट्री के जैसा दिखता है, लेकिन क्या है, पोएसी का मेंबर है और किस में आता है? ग्रास फैमिली। फ्लावरिंग देखी कभी किसी ने बैम्बू में? क्लम्स नहीं नहीं देखी। कितने साल हो गए होंगे इसे? साल है, डेढ़ साल का है, डेढ़ साल में इतना बन रखा है, इतनी हाइट हो रखी है, डेढ़ साल का। हाँ देखो ये रुद्राक्ष के प्लांट है अभी, और भी होंगे एक्सेस जो बनी है उससे। सच में रुद्राक्ष ये है ना, इधर देख रहे हो तुम, बता रहे हो अरे नहीं हैं थ्री, ये अलग से चैम्बर, जैसे आप बोलेंगे कैसे पहचानेंगे तो ये। हाँ ये बेसिक कैरेक्टर है, थ्री चैम्बर एक्सेस देखा, अलग अलग होंगे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, इसमें तीन है ना, इसलिए ये है रुद्राक्ष का पेड़। ये है रुद्राक्ष का पेड़, नाम पढ़ो, पढ़ने आता है तो एलियोकार्पस रुबस्टस, यही फॉरेस्ट्री किया था तुमने। ये रुद्राक्ष तीन वेराइटीज है, ये भी आपके रुद्राक्ष के ही पेड़ है, और हमें ना रुद्राक्ष देखने को भी मिला इधर तो। भद्राक्ष है अभी बताया ना तुमने। हाँ वही से, यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि रुद्राक्ष के पेड़ भी हैं, तो हमने कुछ रुद्राक्ष उठाए हैं जो नीचे गिरे हुए थे। हाइपरटेंशन में यूज किया जाती है, बहुत कम है, क्योंकि देखो आपने नेचुरली आपने पहली बार देखा इतना बड़ा है, छोटे प्लांटेशन छोटे देखो नेचुरली क्या है, त्रिफला में भी करते हैं तो यही होता है, नहीं त्रिफला में तो होता है ना, टर्मिनल आगे बढ़ के अलग से हो गया, आगे बढ़ के इस तरह से ट्रिपलिंग में चलता रहेगा, इसमें भी तो तीन ये है ना, नहीं नहीं पत्ती नहीं, पत्ती की बात नहीं, ट्राइप हो जाए तो इसमें वो है ये। तो अभी पीछे वो जो मैम जा रही हैं वो हमारी मिस हैं, वो अभी कह के गई हैं कि बोटानिकल गार्डन से हम लोग मतलब इस गार्डन की विजिट करके हमें बस में बैठना है, बस यहीं बाहर लगी हुई है, और फिर हमें अपने अपने हॉस्टल जाना है। तो अभी चल लेते हैं थोड़ी देर और घूम लेते हैं बोटानिकल गार्डन में ही, क्योंकि एक सर और मैम यहाँ पर हमें बता रहे हैं गार्डन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बिकॉज वी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि वी आर कमिंग इन टू दिस गार्डन। और ये अक्सर अगर आप कभी पहाड़ी इलाकों में जाते हो ना तो इसे वहाँ से लेके आते हैं, इसे घर में डेकोरेट करने के लिए रख सकते हैं। तो इसकी भी प्लांट यहाँ पे है, ये वाली प्लांट यहीं से गिरी है, नीचे से भी खाया मैंने।
इसलिए इसका नाम क्या है, फाइकस रेशम। वैसा क्या है, फाइकस बेंगालेंसिस का ही है, लेकिन इसको फाइकस रेशम कहते हैं। सही है यार, देखो तो स्टोरेज दी थी, देखो इसको लीफ दिखो, यहाँ पे देखो इसके जो लीफ है वो कुछ ऐसे हैं। तो हमारे प्रोफेसर ने बताया कि ये जो सेप है, इससे इसी लीफ से जो कृष्ण भगवान थे वो मक्खन खाते थे, कुछ है ना ऐसा निकालने वाला। उनको सबसे पीछे रखना पड़ता, मतलब सब लॉगिंग में आ जाएंगे। हम प्रेजेंट यार, अटेंडेंस बन रही है, अटेंडेंस बन रही है यार तुम्हारी। अभी ना मैं वापस जाना, मैडम ने कह के गई थी वापस जाना। मुझे निकाला वो भाई। ये लास्ट था हमारा आज ओरिएंटेशन का डेट, और वापस हम लोग आ गए हैं। आज काफ़ी जल्दी आ चुके हैं हॉस्टल। अभी तो फाइनली हमारी जो डे थर्ड थी ओरिएंटेशन की, वो आज कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग अभी अपने हॉस्टल आ चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैं जो कंटेंट बना रही हूँ वो आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।